और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। भरतपुर के बयाना डाक बंगले में एक बार फिर से हलचल शुरू हुई है। अधिकारियों की शुरू होने लगी है आवाजाही, तो कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर आज बयाना जाएंगे। आंदोलन को लेकर सतर्क हो गया है जिला प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से गुर्जर आंदोलन की चेतावनी दी थी कि 1 नवंबर से हम आंदोलन करेंगे, और विजय बैसला का भी कल ये कहना था कि अब हम 1 नवंबर को आंदोलन करने वाले हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। ब्याना, वैर, भूसावर और करौली के कई इलाकों में बंद कर दिया गया है इंटरनेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जा रहे हैं। आगामी 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है गुर्जर नेताओं ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सतर्क हो गया है जिला प्रशासन। कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी भी आज बयाना जाएंगे, और आंदोलन को लेकर सतर्कता यहां पर दिखाई दे रही है। इंटरनेट सेवा जो है कई इलाकों में बंद कर दी गई है, चाहे वो बयाना, वैर, भूसावर हो, चाहे करौली हो, उनके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो जिस तरह से गुर्जर आंदोलन की चेतावनी यहां दी गई थी कि 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन करेंगे, तो उसी को लेकर अब जिला प्रशासन सतर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। और हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, पूरी खबर बताएं कि किस तरह से अब जो जिला प्रशासन है वो हलचल उसमें दिखाई दे रही है, किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि 1 नवंबर की चेतावनी दी गई थी कि गुर्जर आंदोलन तब 1 नवंबर से हम करने वाले हैं। बिल्कुल मेगा, भरतपुर का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है, और हमारी जिला कलेक्टर नथमल डिडेल हैं, उनसे संबंध में पूरी बात हुई है। तो उनका कहना है कि आज वो खुद और एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर बयाना जाएंगे और वहां उस इलाके का दौरा करेंगे। साथ ही जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो अवकाश हैं उन पर रोक लगा दी है जिला प्रशासन ने। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, और जो बयाना, वैर, भूसावर इलाका है, करौली का कुछ इलाका है, वहां इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है आंदोलन की आहट को लेकर। बिल्कुल, तो क्या 1 नवंबर से जब ये आंदोलन करने वाले हैं तो क्या इसके लिए पहले कोई समझाइश की जाएगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसके जो नेता है उनसे सरकार की वार्ता भी हुई है, वार्ता के प्रयास भी किए गए थे और भी बातचीत प्रशासनिक जो तौर पर की जा रही है। लेकिन गुर्जर समाज की जो नेता हैं वो पूर्व में चेतावनी दे चुके हैं कि 1 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा अगर उनकी आरक्षण संबंधी सभी मांगों को नहीं माना जाता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी।